कोशिश तो किया है, बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी वन टाइम प्लास्टिक को बैन किया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के सोच से भी हो सकता आया होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु ये शुरुआत तो हमारे यहाँ आपने किया है। और यह जो सभी लोग जो कुछ थे, मैं बोलूँगा इसका आप लोग सही ढंग से उन्होंने जो आयोजन किया है राज्य सरकार की तरफ से, तो इसका फायदा हम लोग को मिले, आप लोगों को भी मिले। और मेरे को अल्टीमेटली मेरे को बिजनेस चाहिए, अल्टीमेटली मेरे को जीडीपी चाहिए, मैं वही जाऊँगा, ये जीडीपी दे सकता है। और कोई भय पाने के कोई डरने वाली बात नहीं, कुछ लोग है जीडीपी 4.5 हो गया, खत्म हो गया, ऐसा करके एक माहौल बनाते, कुछ नहीं होने वाला है देश में। 3% जीडीपी रहा है बहुत सालों तक, कांग्रेस के गवर्नमेंट रहे तो है, बहुत सालों तक रहा है, इसलिए देश कहीं नहीं गए है। अभी इसलिए कंपटीशन होता है क्योंकि जब मोदी जी के ऊपर लोगों का आशा ज्यादा है, जब जीडीपी 7 पार हो गया था, इसलिए आपको लगता है ये कम हो गया। तो चिंता मत करिए, जीडीपी कहीं नहीं जाएगा, जीडीपी जो मोदी जी के साथ है, मोदी जी खुद जीडीपी है, वो अपने आप बढ़ेगा, कोई किसी को नुकसान होने का जरूरत नहीं है। बस अपना मनोबल बढ़ा के रखिए और पैसा इन्वेस्ट करिए और रोजगार करिए, इस देश में सब कुछ है। और मोदी जी जहाँ प्रधानमंत्री है तो वहां आपको सोचने का कोई जरूरत नहीं, खुद सोचेगा किस इंडस्ट्री को कैसे उठाना पड़ता है। आज 4.5 आया, किंतु मोदी जी ने बहुत पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को 25% जो टैक्स है वो कम कर दिया है, मोदी जी बहुत पहले सोच लेता है, और बाकी सब लोग मोदी जी सोचने के बाद सोचता है, तो इसलिए इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि मोदी जी जहां सोचता है वहां से उनका शुरुआत नहीं होती, उन्होंने जब इम्प्लीमेंट करता है तब वो सोचने लगता है। इसलिए मोदी जी के ऊपर भरोसा करिए और इस देश को आगे लेके जाना है, ऐसे सीएम बैठे हैं, ऐसे मंत्री बैठे हैं, तो जरूर करेंगे। और सब लोगों के साथ 130 करोड़ देशवासियों के साथ मोदी जी का सोच है, उनका विजन है, और 100% सक्सेस होगा। और उनका जो विजन है 2030 में देश को नंबर वन बनाना है और दुनिया के सामने, वो होने वाला है, कोई नहीं रुक सकता है। कुछ लोग कोशिश करेंगे किंतु रुकने वाले से बनाने वाले का ताकत ज्यादा होता है, ये आज उसने प्रमाण कर दिया है। और मैं दोबारा उनको बहुत बहुत बधाई देते हूँ, मेरा विषय समाप्त करता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मतलब जी, मैं काफी लोगों से बात कर रहा था कि हमारे मेघालय को प्रोजेक्ट करने के लिए मैं एक आदमी को मैं आगे एक रखूं कि कौन होगा मेरा ब्रांड एम्बेसडर, तो आज मुझे आपके रूप में, जो इतने हैंडसम भी हैं, इतने टॉल भी हैं, और मेघालय के बारे में इतना अच्छा बोला आपने, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने बोला, आप एक नॉर्थ ईस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्यों आप बहुत पैशनेट हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और ये पैशन हम सब में है, और इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। और जो आपने आज नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूरे दिल से बोला, मुझे मालूम है कि आपने बहुत इमोशनली और दिल से आपने बात की, इसके लिए सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।